नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। भारतीय संस्कृति, भारतीय गणना बड़ी विचित्र रही है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में जिस प्रकार की कैलकुलेशन की गई है, सहस्त्रों वर्ष पुराना सिद्धांत और आज भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सही साबित होता है। आज बहुत सारे बाहर सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंप्यूटर की गणनाएं अवेलेबल हैं और उनके द्वारा जो गणना की जाती हैं, यदि ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं के साथ हम उनको जोड़ते हैं तो आप माने बिल्कुल आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे हमारे सहस्त्रों वर्ष पुराने उस कार्यक्रम, उस गणना को लेकर आज की कंप्यूटर की गणना जो है बिल्कुल सटीक मिलान साबित हो जाता है। यानी इस रहस्य को समझें कि हमारे पाश्चात्य जो हमारे प्राचीन जो ज्योतिषविद थे उनकी गणनाएं बिल्कुल प्रत्यक्ष थी, कैसे उन्होंने इन समस्त विज्ञान को विकसित किया। आज तो समझते हैं ना कि जैसे वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं को सुप्रीम मानते हैं। अरे, आपको आवश्यकता है हमारे शोध को देखें, भारतीय संस्कृति की गणना को देखें, भारतीय ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत को देखें। यदि आपको वो पढ़ने का समय मिले, मौका मिले, आज तो समय ऐसा रहा कि पिछले 70-80-100 सालों के अंदर विदेशी लोगों ने, आक्रांताओं ने आकर हमको पीछे नीचे दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारी सरकारों ने ऐसी व्यवस्था करी कि हमारे गौरवान्वित करने वाले जो इतिहास को छुपा दिया, हमारे ज्योतिष विज्ञान को एक कपोल कल्पित विज्ञान करके उपस्थित कर दिया। लेकिन ग्रहण एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कब ग्रहण लगेगा, कैसे ग्रहण लगेगा। चलिए, भूतकाल की बात तो भूल जाइए। आज से 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद कौन कौन सा ग्रहण कलिकाल में घटने वाला है, कैसे घटेगा, कितनी देर के लिए घटेगा, कौन सी राशि पे घटेगा, ये हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। सोचें, आज तो विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान ने तो वो गणना नहीं दी ना, हमारे अपने ज्योतिष विज्ञान ने अनादिकाल से जो व्यवस्था गणित का भाग चला है उसने वो गणना करके दी और कंप्यूटर के द्वारा आज पाश्चात्य वैज्ञानिक उन्होंने जो शोध किया है उससे बिल्कुल तालमेल से पिट जा सकता है। उनकी गणनाएं कहीं गलत हो सकती हैं लेकिन हमारी गणनाएं आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है और ग्रहण का प्रभाव होता है। आज पाश्चात्य ज्योतिष कहते हैं, जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है वो कहते हैं, वेस्टर्न साइंस कहते हैं कोई प्रभाव नहीं, आप नेगेटिव आई से भी देख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए किसी प्रकार से, कोई खगोलीय घटना है। अरे, खगोलीय घटना तो है ही, हर घटना का एक सूक्ष्म प्रभाव होता है, एक प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, एक आदि भौतिक प्रभाव होता है। हमारे यहां उस आदि भौतिक आदि दैविक घटनाओं को समझ डेवलप करने के बाद बताया गया है। विज्ञान के तथाकथित तौर पर आज जो छात्र हैं वो सीधा रूल आउट कर देते, नहीं कोई प्रभाव नहीं होता। अरे, बिल्कुल प्रभाव होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रभाव होता है और उसी गणनाओं को देखते हुए ज्योतिष के शास्त्रों ने उस गणना को काल, जो पर्वकाल, ग्रहण काल को पर्वकाल बनाया गया। 30 अप्रैल को ऐसा ही एक घटनाक्रम घटने वाला है जिसको कहा जाएगा सूर्य ग्रहण। खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। भारत में यह दृश्य नहीं होगा लेकिन बहुत सारे अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर और बहुत सारे क्षेत्रों में इसको देखा जाए, चिली इत्यादि में, बहुत सारे क्षेत्रों में, यानी साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है लेकर अटलांटिक महासागर के साथ साथ और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वहां पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। ये खंडग्रास चंद्र जो सूर्य ग्रहण है मेष राशि में घटने वाला है और ऐसे में देखिए पूरे विश्व में युद्ध का वातावरण चल रहा है, जिन लोगों को वहां रहते हैं उन पर जो छाया पड़ेगी उसका प्रभाव समझ लेना चाहिए। अधिकतर राशियों पर इसका प्रभाव अशुभ रहने वाला है, केवल 4 राशि हम देखें तो उन पर इसका प्रभाव जो रहेगा वो ठीक देखने को मिलता है, अन्यथा बाकी राशियों पर इसका जो प्रभाव है वो अशुभ रहेगा। कन्या राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, यदि इनको देखा जाए तो इनके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं, अन्यथा बाकी सब राशियां जो हैं उनके लिए खास तौर पर रोग कारक, शत्रु वर्ध्य कारक तो सब तौर पे देखने को मिलता है। यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो मेष राशि वालों के लिए एक घातक योग बना सकता है, जहां जहां जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहां ग्रहण पड़ रहा है तो उनको सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। वृक राशि वालों के लिए व्यवसायिक हानि होने के योग बना सकता है ये जो ग्रहण पड़ने वाला है। और वही मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बताया उनके लिए लाभ का, धन प्राप्ति के योग बना सकता है। कर्क राशि वालों के लिए विध्वंसक रहेगा, वैसे ही चंद्रमा संबंध करता है और ग्रहण के अंदर तो तीनों चीज मिल जाती है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक गति में आ जाते हैं, एक रास्ते में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए चिंता उत्पत्ति कारक ये ग्रहण माना जाएगा तो उनको सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना। जो कन्या राशि बुध प्रधान राशि है उनके लिए सौभाग्यवर्धक रहेगा, आगे बढ़ने के अद्भुत योग बना सकता है। वहीं तुला राशि वालों के लिए दांपत्य जीवन में कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है
30 अप्रैल को पड़ेगा वो दिखाता है कि रोग उत्पन्नी के योग बना सकता है। वैसे ही कोरोना पूरे विश्व में चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है, कोरोना कहीं चला गया, गया कहीं नहीं है, आपके आसपास छुपा बैठा है। ये सावधान होते रहे, काम करने का प्रयास कीजिए। धनुराशि वाले कालों के लिए जो ये ग्रहण है, ये योग बनाएगा अपमान कारक, अपने सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। मकर राशि, दसवीं राशि जो शनि की राशि है, उनके लिए खासतौर पर सिद्धिदायक ये ग्रहण का पर्व हो सकता है, तो इसलिए इसमें आने वाले समय में 3 महीने में आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। और वहीं मीन राशि के संबंध में बात करें जो बृहस्पति प्रधान राशि है, उनके लिए हानिकारक योग बना सकता है। ग्रहण काल में हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में इसको पर्व काल कहा गया है, संधि काल होता है, ऐसे में पर्व के तौर पर विशेष तौर पर यानी उस समय साधना पूजा करने से कई गुना अधिक फल प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो साधना मार्ग तंत्र मार्ग में इस ग्रहण काल को पर्व काल कहा गया है और इसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। छाया जो है, ग्रहण की छाया जो होती है वही वास्तविक तौर पर अशुभ होती है। जो बाहर घूमेंगे इधर करेंगे उनके जीवन में इस प्रकार का योग पड़ेगा, जो उससे बच के रहेंगे उनके लिए तो जिस प्रकार से है तो परमात्मा का चिंतन करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। कोशिशें करें इस ग्रहण काल में अपने साथ के अनुसार से, शास्त्र कहता है ग्रहण के आरंभ में खासतौर पर आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में हवन करना चाहिए, ग्रहांते दानम ग्रहण के अंत में दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीन कार्य ही शास्त्र में सबसे प्रशस्त बताए गए हैं। तो ये ग्रहण जो है वो करीब करीब 3 घंटे 53 मिनट का रहेगा। यदि भारतीय कालगणना के अनुसार से देखा जाए तो ये ग्रहण जो है 1 मई को 24:05 पर आरंभ होगा। 24:05 यानी 1 मई का जब रात्रि आरंभ हो जाएगी तो उसके बाद अगले दिन सुबह जो है वो 24 यानी 00:05 पर आरंभ होगा और करीब करीब 3 घंटे 53 मिनट तक रहेगा। तो सुबह 4:08 तक ये ग्रहण चलने वाला है, तो उस समय से बचते हुए काम करें, आपके लिए समय शुभ।